हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल। मेजरमेंट्स चैप्टर का नाम है हमारे। तो इसके टोटल है जी एक्सरसाइज के 10 न्यूमेरिकल। तो हम 10 के 10 न्यूमेरिकल को इधर सॉल्व करेंगे और 1 by 1 उसके आंसर्स को भी देखेंगे और ये आंसर ऐसा क्यों आ रहा है इसकी रीज़न भी देखेंगे और कौन से टॉपिक से ये न्यूमेरिकल रिलेट कर रहा है वो भी चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्या नाम है जी चैप्टर का? मेजरमेंट्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास इधर एक न्यूमेरिकल है जी, इसे मैं इधर रीड करता हूँ। आप लोग भी अपनी बुक्स निकाल लें या नोटबुक्स निकाल लें, नोट करने हैं तो नोट कर सकते हैं वीडियो पास कर करके, या वैसे समझने तो समझ लें, बाद में आप लिख सकते हैं या हल कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहला न्यूमेरिकल रीड करता हूँ। पहला न्यूमेरिकल है जी, अ लाइट ईयर, एक सेकेंड, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। ठीक है, आगे, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज 3×10^8 m/s। अच्छा, बड़ा ही VIP क्वेश्चन उसने बना के दिया आपको। सबसे पहले तो वो कहता है कि आपके पास जो लाइट ईयर है वो क्या है। लाइट ईयर पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे न्यूमेरिकल समझाता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर वैसे 1 है। वो कहता है कि हमारे पास लाइट ईयर क्या है, कि अगर मैं आपको कहूँ यार आपने 10 किलोमीटर, या आपको कहता हूँ 10 m/s की रफ्तार से आपने चलना है। ठीक है, आप कहते हो ठीक है सर। आप कहते हो सर कौन सी डायरेक्शन में चलना है। मैंने कहा यार आप ऐसे करो, इस रोड पे ना बिल्कुल सीधे जाओ, ये रोड बहुत आगे तक जाता है। अच्छा, उसने कहा सर कब तक चलना है। मैंने कहा आपने चलना है कोई 15 मिनट। ठीक है, उसने कहा सर 10 m/s से 15 मिनट तक चलना है। मैंने कहा हाँ, मीन्स कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको वेलोसिटी कितनी दे रहा हूँ 10 m/s। ठीक है, और टाइम कितना दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ 15 मिनट। 15 मिनट मीन 900 सेकेंड, ऐसे बनेगा। अच्छा, आगे अब वो कहता है कि अब आप बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपको पता है S=T क्या होता है, V×T। आपके पास V भी है T भी है, तो आंसर क्या आएगा, 9000 m। इसका मतलब है कि 9000 m मीन आप 9 किलोमीटर चल के गए। समझ आई बात की। अब इसी न्यूमेरिकल को कुछ हम बड़े लेवल पर ऐसे रख लेते हैं कि आपको, अब आपको मैंने रिप्लेस कर दिया है स्पीड ऑफ लाइट से। किससे? और स्पीड ऑफ लाइट को V से नहीं लिखते हम, C से लिखते हैं, और वो कितनी है, 3×10^8 m/s। अच्छा जी, फिर आगे चले। आगे वो कहते हैं कितनी देर तक लाइट ने चलना है। आपको 10 m/s को रिप्लेस किया है 3×10^8 m/s से, कितनी देर तक चलना है, 1 साल तक चलना है। ठीक है, 1 लाइट ईयर, जिसे हम नूरी ईयर कहते हैं। ठीक है, नूरी साल। तो अब कितना बनता है ये टाइम, उसने कहा सर 1 ईयर। मैंने कहा यार वो इधर सेकंड है तो इसके यूनिट सेकंड ना कर ले। उसने कहा सर 1 साल को सेकंड में कैसे करेंगे। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली हमें पता है कि जो 1 ईयर होता है वो किसके अंदर, किसके बराबर होता है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको पता है इधर आप फिर वो डाटा की हाईलाइट ऐसे करते हो डाटा को, फिर इधर आपके पास आप इसकी डाटा को सॉल्व कर लेते हो, फिर आप इसकी कैलकुलेशन या टू फाइंड लिखते हो, फिर एंड में आपके पास आ जाता है इसका रिजल्ट, तो वो भी देखते हैं। अच्छा, 1 ईयर, अब 1 × कितने दिन है 1 साल में, 365। 365 दिन आपके पास है 1 साल में, और 365 दिन हो गए, एक दिन में कितने घंटे हैं, 24। 24 घंटों में कितने मिनट हैं, 60, और कितने सेकंड हैं। अब ये हो जाएगी कन्वर्ट सेकंड में। जैसे मैंने अभी कहा था 15 मिनट, 15 मिनट मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने उसकी जगह 900 सेकंड लिखा, 15 × 60। अब 60 × 60 मिनट कितने घंटे हैं, 24, 24 से जरूर दे देंगे, कितने दिन हैं, 24 घंटे कितने के हिसाब से, 365 दिन हैं, तो इससे, और साल कितने हैं, 1, तो इससे जब आप जरूर देंगे तो कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो। इधर मेरे पास लिखा हुआ 3153, 1, 2, 3 इतने सेकंड। अब हमें पता है कि हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पसंद करते हैं, और वो हमारे पास आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3×15×10^7 s। यही बनेगा, उसने कहा जी सर सेकंड बन गया। अब निकालना क्या है, निकालना है भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट। ठीक है,
ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा टू फाइन में, ठीक है, ये किस में आ जाएगा टू फाइन, उसके बाद नीचे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में हमने फार्मूला क्या लगाना है, या फार्मूला का भी आप इधर हाईलाइट बना सकते हो, फार्मूला क्या एस इज इक्वल टू वी टी, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा सी इंटू टी। सी कितना है 3 × 10⁸ और टी कितना है 3.15 × 10⁷। 3.15 को आप मल्टीप्लाई कर दो जस्ट 3 से, तो आंसर बनेगा 9.5। आंसर क्या बनेगा 9.5। और उसने कहा सर 10 की पावर और 10 की पावर दोनों सेम है बेसिस, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा 15। और यूनिट क्या बनेंगे मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड और सेकंड से इधर से इन्वर्स से कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा मीटर। तो इसका रिजल्ट क्या बना, यानी कि लाइट कितना ट्रैवल करेगी 9.5 × 10⁵ मीटर पर ईयर, ठीक है। तो एक ईयर में इतना लाइट ट्रैवल कर लेती है। अच्छा जी, अब आ जाए जी न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि डिटेल में आपको समझाने हैं, तो आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो अगर आपको समझ आ रही है। अच्छा, आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, ठीक है, एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं, वो मैंने इधर निकाला। आल दो मैं इसे दोबारा कर देता हूँ इधर, तो ए पार्ट है सेकेंड्स इन 1 ईयर, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 × 24 × 60 × 60, आंसर विल बी 3153600 सेकेंड। तो इतने सेकेंड होते हैं यहाँ 3.15 × 10⁷ सेकेंड, तो एक साल में इतने सेकेंड होते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है जी हो मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको देख लो कि नैनो सेकेंड्स कितने होंगे। नैनो का मतलब है छोटा। अब कितना करना है आपने, इसी वैल्यू को 10⁻⁹ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और उसी से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, इसी वैल्यू को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना है। वो जो 1 ईयर है वो इतने सेकंड्स के बराबर है, तो नैनो सेकंड क्या होता है कि 1 सेकंड में कितने 10⁻⁹ है, समझ आ रही है। यानी कि जो हमारे पास नैनो आ जाएगा वो छोटी चीज़ है, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ कि भाई 1 किलो है, 1 किलो में कितने ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो कैसे निकले कि 1000 से ज़रब दे दिया, 1000 पे डिवाइड कर दिया, सेम वैसे किलो बन गया। सेम इधर हमें नैनो सेकंड में जाने के लिए भी कुछ यही जुगाड़ करेंगे, हम क्या करेंगे 3.15 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे और −9 पे डिवाइड कर देंगे इंटू सेकेंड। ये −9 ऊपर जाकर इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9 और ये तो इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, और ये 9 × 10⁻⁹ एन कहलाता है, तो ये इतने नैनो सेकंड हमारे पास होंगे 1 ईयर में। अच्छा जी, आगे ईयर्स इन 1 सेकंड। अच्छा, ये भी बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि भाई 1 सेकंड में कितने साल होते हैं। वो बंदा कहे भाई 1 सेकंड में साल कैसे हो सकते हैं, इसको मैं आप कैसे समझाता हूँ कि भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, वो 1000 है, वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भाई 500 ग्राम में कितने किलो, आपको कहे सर 500 ग्राम में आधा किलो, मैंने कहा कैसे निकाला, आपने कहा सर जो वैल्यू थी 500 उसको मैंने उसकी जो वैल्यू है टोटल की उस पर डिवाइड कर दिया, 500 / 1000 तो आंसर आएगा 0.5। तो मैंने कहा फिर सेम इधर करेंगे, एक साल इतने के बराबर है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 × 10⁷ सेकेंड। तो इधर 1 रहने दें, इसी वैल्यू को क्या ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1 × सेकेंड, 1 से मल्टीप्लाई किया जस्ट, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ये वाली सारी वैल्यू उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड 3.15 × 10⁷ ईयर। तो क्या आंसर बनता है, आंसर आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, तो आंसर बनता है 3.17 × 10⁻⁸। 3.17 × 10⁻⁸, तो एक साल 1 सेकंड में इतने साल गुजरते हैं, तो इतने इतने साल गुजरेंगे, तो जब ये गुजरेंगे तो आपके पास इतना 1 सेकंड हो जाता है, ठीक है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। अब न्यूमेरिकल नंबर थ्री में कहता है दी लेंथ एंड दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 एंड सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड दी एरिया ऑफ दी प्लेट, ठीक है। अब हमें
उसने डाटा में क्या दे दिया है, डाटा में हमें लेंथ दे दी है। लेंथ कितनी दे दी है जी, 15.3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड विड्थ दे दी है W 12.80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टू फाइंड में क्या लिखेंगे जी? अच्छा, इससे ये है कि न्यूमेरिकल बड़ा ना इजी लगने लग जाता है, क्योंकि चीज़ें अलग अलग हो गई हैं एरिया, ठीक है। अच्छा, आगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मैं बस इसी में लिख रहा हूँ, आगे वाले न्यूमेरिकल में मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। आप इस पैटर्न को बस यूज़ करने कर सकते हो आगे अपने न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अच्छा, आगे एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है। लेंथ कितनी है 15.3 एंड विड्थ कितनी है 12.80। आंसर क्या बनता है जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 195.84 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स के मुताबिक ये सेंटीमीटर स्क्वेयर होल का है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं सर बुक ने तो आंसर दिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वेयर, आपका आ रहा है 195.84। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर वाले भी एक रूल को लगाएंगे, वो क्या था, मल्टीप्लीकेशन वाला। उसमें हमने देखना है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है, तो अगर आप देखें तो इसके पास हैं जी 3 और इसके पास हैं 4, तो आंसर हमारा जाएगा 3 तक। ये कितने बन रहे हैं 5, तो लेके जाना है 3 तक, ठीक है। अब लगाएंगे राउंड ऑफ का रूल, 5 है जहां तक तो आंसर आना, उससे आगे वाला देखो क्या 5 से बड़ा है या छोटा है। 8 5 से बड़ा है, तो उससे पीछे वाले में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 195 था, तो ये क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। अगर आप लोगों ने नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये तीनों न्यूमेरिकल नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 4, इनको भी रेज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं, वो कहता है ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन टू के जी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन वैल्यूज हैं जी हमारे पास, उसने दी हैं जी। एक वैल्यू है जी हमारे पास M1 kg में है 2.189 kg, M2 है जी 0.089, M3 है 11.8 kg इज द यूनिट एंड 5.32, और M4 है 5.32 kg, ठीक है। अब आपने इन सबको ऐड करना है, यानी कि टोटल मैस निकालना है, तो टोटल मैस हो जाएगा M is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M4। लेकिन प्रिसीजन का ध्यान रखना है, तो इसको मैं वैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखूंगा, जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा था 0.089 11.8 एंड 5.32, ठीक है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे, कैलकुलेटर पे आप ऐड कर सकते हैं, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 19.398, बट द बुक का आंसर है 19.4, तो ये कैसे आया, यही समझना था बस हमने, तो केजी। अच्छा, ये इसलिए आया कि हमने इसमें देखना है कि इनमें, क्योंकि एडिशन वाला रूल है सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो है, तो उसके अंदर हमने देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम पॉइंट्स कितने हैं। तो इधर देखें, डेसिमल के बाद कितने हैं, 2, ये कितने हैं जी 1, और ये कितने हैं 2, तो सबसे कम कितने हैं 1, तो इसलिए हम इसे 1 तक लेके जाएंगे। अब 1 तक लेके जाने के लिए हमें पता है कि आगे वाले 2 उड़ाने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या ये आगे वाला 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसे आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो 19.4 हो जाएगा, ठीक है जी। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लें जी, इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स, ये काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल है तो करेंगे, बड़ा इजी है लेकिन लेंथी है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल ओवर जी फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो लेंथ हमें दे दी है जी 100 सेंटीमीटर
एंड आपको पता है आप सी की वैल्यू 10^-2 है, तो 100 × 10^-2 मीटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 1 मीटर। तो इसका मतलब है लेंथ, एल की वैल्यू आ गई जी 1 मीटर। अच्छा आगे आगे हमारे पास है जी टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, तो ये हमारे पास है जी 40.2 सेकेंड। अच्छा अच्छा आगे जी, आगे हमारे पास है जी लेंथ वाज मेजर्ड बाई अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 mm एंड द टाइम बाई अ स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी 0.1 सेकेंड, यानी कि लीस्ट काउंट फॉर लेंथ वो है जी 1 mm 0.001 मीटर, 10^-3। तो जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये 0.001 आ जाएगा, ठीक है जी। और हमारे पास लीस्ट काउंट फॉर स्टॉप वॉच वो हमें दिया जी 0.1 सेकेंड, आई थिंक यही है 0.1, हाँ जी ठीक है। अच्छा अब मैं इसकी चलता हूँ कैलकुलेशन पे, ठीक है जी। क्या चीज़? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमें पता है कि जो फार्मूला उसने दिया वो दिया है T=2π√LG, यही फार्मूला है। तो इधर से जो g है वो बराबर आ जाएगा t का स्क्वेयर हो जाएगा, सॉरी इसको हम बल्कि ऐसे करते हैं, t का स्क्वेयर 4π² × L/G, यही बनेगा। g इधर आ जाएगा तो 4π² × L/ क्या आ जाएगा इधर t का स्क्वेयर, यही बनेगा। अब हमने इसे सॉल्व करना है जी के लिए, तो जी की हम इधर वैल्यूज पुट करते हैं, 4 × 3.14² × 1/T² तो हमें पता है कि ये जो टी है ये 20 वाइब्रेशन के लिए है, तो पहले हम टी भी निकाल लेते हैं इधर, फॉर 1 वाइब्रेशन क्या करेंगे 40.2/20, तो आंसर आ जाएगा 2.01 सेकेंड, यही बनता है 2.01 सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो G=2 आ जाएगा 4 × 3.14² × 1/2.01² दी वैल्यू इज 9.76 m/s², लेकिन आंसर में तो वैल्यू कुछ और लिखी है, साथ में एक नई सी वैल्यू लिखी है 0.06, वो क्या है भाई? वो है उसने क्वेश्चन पढ़ा तो उसने कहा है कि भाई आपने एक काम करना है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अपने दिमाग में रखते हुए, तो अब हम दिमाग में रखते हुए उसको देखेंगे। अब हमें पता है कि जो जी है ये 2 वेरिएबल एल और टी पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है। अब हमें पता है ये दोनों डिवीजन हो रहे हैं, पता है, तो वो जो हमारे पास जो असेसमेंट थी उसके अंदर हमने देखा था अगर 2 वेरिएबल डिवाइड होने तो उनकी अनसर्टेनिटीज़ कौन सी, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाती हैं, फिर ए की पावर है तो जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसके साथ ये पावर मल्टीप्लाई, यानी कि जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी इसके अंदर वो इन दोनों का सम प्लस इसके साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी किसके बराबर होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ प्लस 2 × % ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर है तो ये पावर के साथ इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई होगी, और लेंथ की एज सच वैसे की वैसे क्योंकि कोई पावर नहीं ये आ जाएगी, और इन दोनों का क्या आ जाएगा सम, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो अब हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ लेंथ के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं, वो क्या होती है लीस्ट काउंट को ऊपर रखें और वैल्यू पे डिवाइड करने, लीस्ट काउंट क्या है 0.001/value विच इज इक्वल टू 0.001, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी 0.001 या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 0.1%, यही बनता है। अच्छा 0.01 आ जाएगा, सॉरी ये इधर आएगा 0.01, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो कटेंगे तो 1 जीरो बच जाएगा, तो 0.01% आ जाएगा। ये आ गई जी किसके लिए, लेंथ के लिए, ठीक है, ऑफ
लेंथ, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके लिए, ये न्यूमेरिकल 5 अब इस तरह इस साइड पे आ गया जी। अब हम देखते हैं जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके लिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड टी। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते यार, क्यों? क्योंकि भाई इसके लिए आपको आपको पता है आपको कि सर इसका लीस्ट काउंट ऊपर रखें जो एक टाइम पीरियड है उस पर डिवाइड कर दें, लेकिन ये लीस्ट काउंट इनका है तो फिर इसका कितना होगा? आप पहले इसको कितने पे डिवाइड करोगे, एक एक का लीस्ट काउंट निकालने के लिए लीस्ट काउंट फॉर वन वाइब्रेशन कह लो, वो क्या होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20। द आंसर इज 0.005 सेकेंड। ये जो था ये ऐसा समझ लो कि ये 40 का था, 40.2 का, हमें चाहिए एक सॉरी 20 का हमें चाहिए एक का, तो हम क्या करेंगे इसको पहले इस पर डिवाइड करेंगे। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर टी, कैसे निकलेगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? ऊपर रखेंगे लीस्ट काउंट 0.005 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू है वो कितनी है 2.01। तो आंसर हमारे पास इधर आता है इसका, इधर आंसर इसका बनेगा इसके लिए वो आ जाएगा 0.025, ठीक है। आई थिंक यही बनेगा इसका पूरा पूरा आंसर। अब हम करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो क्या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इनटू 100, तो जब आप इसे करेंगे तो आ जाएगा 0.25। या ये देख लेना है कैलकुलेटर पे आप कर लेना, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ आपको, ये पढ़ा कैलकुलेटर तो आ जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाई 2.01, तो आंसर आता है 0.002 आता है। कितना आता है 0.002, तो ये आता है। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0025 इनटू 100 तो आंसर आएगा 0.25, कितना आएगा 0.25%, ठीक है। अब आप इसमें पुट करेंगे इसमें, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, लेंथ वाली कितनी है अभी आपने निकाली है 0.01 प्लस 2 इंटू 0.25, तो जो टोटल आंसर बनना है वो हमारे पास बन रहा है 0.6%। कितना आ रहा है जी 0.6%। इसका मतलब है कि जो जी की आपने वैल्यू निकाली है इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है 0.6% ऑफ टोटल वैल्यू, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा आपके पास 9.76 प्लस माइनस 0.6% इंटू मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या करेंगे 9.76 का 0.6% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 0.6 ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9.76, तो जो अननोन वैल्यू आएगी वो आएगी 0.06, ठीक है। तो 0.06 आपकी आ जाएगी अननोन वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा जी का, पहले ये परसेंटेज में लिखा था, परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है 0.06, तो इसे आप पुट कर देंगे 9.76 प्लस माइनस 0.06 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जी का बनेगा फाइनल आंसर, ठीक है जी। आई होप इसको समझ आ गया होगा कि पहले आप जी वैसे निकाल लेंगे, फिर आप अनसर्टेनिटीज और वो एक्यूरेसी के लिहाज से डील करेंगे। क्या होगा कि आप देखेंगे कि लेंथ है, टाइम है, दो वेरिएबल है, डिवाइड हो रहे हैं तो अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, फिर एक वेरिएबल की पावर है, जो पावर है उसी वेरिएबल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगी। अब आप इसकी निकाल लेंगे, इसके लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू, और परसेंटेज के लिए इसी वैल्यू को आप क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी लेंथ की, तो ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब टाइम की भी निकालनी है, टाइम के लिए क्या होगा कि ये जो लीस्ट काउंट है 0.1 ये 20 का, तो एक के लिए क्या होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय जो हमने वैल्यू निकाली थी, जो हमने जी के फार्मूले में पुट की थी उसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी, इसी वैल्यू को अब हम 100 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 0.6%। अब 0.6% किसका है, जी का, तो ये 6%, अब इसका 0.6% निकालेंगे, क्या करेंगे 0.6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई विद वैल्यू, तो आंसर क्या बनेगा, यानी कि इसका 0.6% कितना बनता है 0.06, इसको इधर प्लस माइनस करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी आपके पास जो वैल्यू है जी की विद अनसर्टेनिटीज, ठीक है जी। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाए जी न्यूमेरिकल नंबर है जी 6। इसको देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 को। इसमें इसमें कहता है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है जी एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। पहले इसके डायमेंशन निकाल दो, देन इसके यूनिट निकाल दो। तो आपको दोनों स्टेप पढ़ाए होंगे, पहले आप यूनिट निकाल के डायमेंशन निकाल सकते हो या पहले डायमेंशन को पुट करके आप डायमेंशन निकाल सकते हो, तो उससे कर लेते हैं। तो इसको रीअरेंज कर लो, जी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ आर स्क्वायर ओवर एम वन इंटू एम टू। ये उधर गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों आकर डिवाइड होगा। तो जी जी को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, एफ को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, आर स्क्वायर को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, एम वन को लिखेंगे एम टू को। डायमेंशन पुट करें, इसके थे एम एल टी माइनस टू फोर्स के। आर आर इज द रेडियस, तो रेडियस के क्या होते हैं लेंथ, तो एल का क्या आ जाएगा स्क्वायर ओवर। एम इज द मास, तो कैपिटल एम, एम इज द मास अगेन कैपिटल एम। ये एम एम ऊपर वाले एम में जाकर क्या हो जाएंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस वन। एम एम स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर m की पावर 1 है, तो m स्क्वायर ऊपर जाकर माइनस होगा, तो क्या बचेगा माइनस 1। l इंटू ये क्या आ जाएगा l का क्यूब और ये t की माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब निकाल लेते हैं इसके यूनिट। तो यूनिट के लिए सिंपल सा जुगाड़ देख लें, क्या है कि आपने इस फार्मूले में जस्ट पुट करना है। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, r के मीटर, तो क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर ओवर के जी डॉट के जी। तो जब आप इसे करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पर स्क्वायर, क्योंकि ये के जी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर जाकर माइनस टू हो जाएगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 7 देखें जी, थोड़े से रह गए हैं, घबराना नहीं है। अच्छा शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट, वेयर वी इज द वेलोसिटी एट टाइम टी एंड t is equal to 0 and a is the acceleration and vf is the final velocity at time t। तो है कुछ भी नहीं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वो पूछ रहा है कि vf is equal to vi plus at। वो कहता है कि जो vf है वो क्या कहता है, वो कहता है हमें कि जो vi है ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन और ये t टाइम है। तो आपने बताना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हमने कहा भी करेक्ट हमें नहीं पता, लेकिन हम कर लेते हैं डायमेंशन एनालिसिस। अगर लेफ्ट साइड के डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर आ गए तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है जी वी एफ, तो आपको पता है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के होती है एल टी माइनस वन, तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं जी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है जी वी आई प्लस ए एंड टी। तो वी आई के क्या थे एल टी माइनस वन, ए के क्या थे एल टी माइनस टू, और टी के क्या थे कैपिटल टी, यही थे। ये क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन वैसे का वैसे प्लस, ये एल वैसे का वैसे और टी माइनस टू और ये प्लस वन, तो क्या बचेगा टी माइनस वन। तो जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो आंसर बचेगा एल टी माइनस वन। तो क्या ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है? तो आपको कहे सर ये करेक्ट है। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सर ये टू आ रहा है इधर, आपको यही लग रहा होगा कि टू की वजह से ये इधर ये और ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। लेकिन जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो टू इज अ नंबर एंड नंबर इज अ कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट क्या होते हैं इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते। तो इसका मतलब है ये डायमेंशन बराबर है, इसका मतलब है कि डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो बस ये प्रूफ करना था, ये हो गया। अच्छा एंड में आप ये लाइन लाजमी लिखेंगे, टू नंबर है, नंबर कॉन्स्टेंट, नंबर डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो इसलिए लेफ्ट डायमेंशन इज इक्वल टू राइट डायमेंशन, तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। न्यूमेरिकल नंबर 8 देख लें जी। न्यूमेरिकल नंबर 8 में वो कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 8 और 10 बहुत मिलते जुलते हैं आपस में। वो कहता है द स्पीड ऑफ साउंड वेव थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम टू बी डिपेंड अपॉन द डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम एंड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो, डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के लिए फार्मूला निकाल के दें। ठीक है, तो दो चीज़ें बता दी उसने, एक डेंसिटी रो पे डिपेंड करता है, दूसरा इलास्टिसिटी ई पर। वेयर
इलास्टिक सिटी जो है वो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है। तो अब आपने इसको ज़रा सॉल्व करना है। अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है और हमने वेलोसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करके देना है, ठीक है। तो अभी उसने कहा कि जो आपकी वेलोसिटी है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, डेंसिटी पे और इलास्टिक सिटी के मॉडुलस पे, ए और बी। यही था कि हम उनके अननोन वेरिएबल्स बना देते हैं ए और बी, ठीक है। अब सबसे पहले हम डायमेंशन निकालते हैं डेंसिटी के, ठीक है, ये इसको बाद में हल करेंगे, पहले डेंसिटी के डायमेंशन। डेंसिटी हमने इसके एक्सरसाइज में भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास क्या आ जाएंगे, कैपिटल एम, और वॉल्यूम लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो क्या आ जाएगा एल का क्यूब। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, एम एल माइनस थ्री, दिस इज द डायमेंशन फॉर डेंसिटी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं ऐसे करके। अच्छा जी, इलास्टिक सिटी, इलास्टिक सिटी है जी स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस होता है सिग्मा और स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन, ये हम सेकेंड ईयर में देख लेंगे। अच्छा, अब जो स्ट्रेन है ना, इसके कोई यूनिट नहीं होते, तो यूनिट नहीं होते तो फिर इसके डायमेंशन भी नहीं होते। इसका मतलब है इलास्टिक सिटी के जो डायमेंशन है वो जस्ट स्ट्रेस वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको उधर हल करता हूँ, इस न्यूमेरिकल को, बाकी हिस्सा जो इसका इधर हल करते हैं। तो सिग्मा देख लेते हैं, सिग्मा जो होता है ये होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का आपको पता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो एल का स्क्वायर। तो क्या आ जाएंगे, एम एल माइनस वन इंटू टी माइनस टू। तो इसका मतलब है इलास्टिक सिटी के सिग्मा वाले और सिग्मा के ये आए हैं, तो फिर ये हो गए एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर इलास्टिक सिटी। अब हम इन्हें करेंगे इधर पुट। तो इस इक्वेशन को ज़रा मैं आगे कन्वर्ट करता हूँ, आपको पता है ये वी आएगा और इधर प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट टपक पड़ता है, ठीक है, रो के वैसे और ई के भी, यही बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी रेज कर देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अच्छा, इसको अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर ये आ जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे हमारी जो डायमेंशन की फॉर्म थी उसमें, तो पहले हम इसे डायमेंशन में लिखते हैं। तो v कांस्टेंट, रो एंड e, ये बनेगा। अब v के क्या थे, एल टी माइनस वन, कांस्टेंट रो के क्या थे, एम एल माइनस थ्री, और e के क्या थे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू बी, यही बनते हैं। ये इसके लिख दिए, इसके लिख दिए, पावर है सच, मैंने पकड़ के लिख दी। अब इनको कंपेयर करते हैं, पहले हम इनको एक साइड पे कर लेते हैं, एल टी माइनस वन कॉन्स्टेंट वैसे ही, एम एम को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगी एम के ए एल की माइनस थ्री ए, यही बनेगा, पावर को जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया। और इधर आ जाएंगे एम की वी एल की माइनस बी, और टी की आ जाएगी माइनस टू बी। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू एम क्या आ जाएंगे ए प्लस बी, और एल क्या आ जाएंगे माइनस थ्री ए माइनस बी, और टी के आ जाएंगे माइनस टू बी, यही बनेंगे। और इस तरफ क्या है, एल टी माइनस वन, यही बनता है। अगर नज़र नहीं आ रहा जूम कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हम एम को कंपेयर कर लेते हैं, तो इधर एम है नहीं है, तो फिर एम इधर कितना होगा, जीरो। इधर एम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, ठीक है। अब दूसरा L, L की इधर कितनी है वन, इधर L की कितनी है माइनस थ्री ए माइनस बी, इधर T की कितनी है, इधर T है, T की है जी माइनस वन, और इधर T की कितनी है माइनस टू बी। तो यहाँ से B किसके बराबर आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा वन ओवर टू। अब ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, और ये इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन थ्री से हमें B की वैल्यू आ गई जी वन ओवर टू। अब इधर B की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो A की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन ओवर टू, यही बनती है। b की वैल्यू इधर पुट करेंगे उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन ओवर टू। अब हम इस फार्मूले में जस्ट पुट कर देंगे जो भी हमने लिखा है ये वाला। तो v इज इक्वल टू क्या था, v इज इक्वल टू था कांस्टेंट रो a, और ये क्या था माइनस वन ओवर टू,
ए क्या था माइनस वन ओवर टू, तो हमारे पास ए माइनस वन ओवर टू आ गया और बी ई था और ई की वैल्यू कितनी है वन ओवर टू। तो इसको ज़रा आप सॉल्व करें, कॉन्स्टेंट ई वन ओवर टू ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर है प्लस का तो नीचे जाकर ऊपर है माइनस का नीचे जाकर होगा जा प्लस का। क्या इसको ख़त्म करके मैं यूँ लिख सकता हूँ इन दोनों को, क्या इनको एक अंडर रूट में रख सकते हैं मैथमेटिक्स के मुताबिक? तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि अंडर रूट ई ओवर रो है। ठीक है, कॉन्स्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो ये हमें पता है, डायमेंशनलिटी हमें नहीं बताती। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, अब आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 और 7 ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो न्यूमेरिकल नंबर 9 देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो हमें कहता है शो दैट द आइंस्टाइन फेमस, जो फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन क्या है जी, इज इक्वल टू एमसी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने देखना है इसको डायमेंशनली क्या है इक्वेशन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ई, तो ई के डायमेंशन देखने। अब ई जो होता है ये वर्क वाले होते हैं और वर्क होता है एफ डॉट डी, तो एफ इंटू डी यही बनेगा। एफ के क्या होते हैं एम एल टी माइनस टू और डी क्या होता है एल, तो जब आप पुट करेंगे आ जाएंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आ गए जी लेफ्ट हैंड साइड के। अब देखते हैं जी हम राइट हैंड साइड के, वो क्या है जी एम इंटू सी स्क्वायर एम और सी। एम के होते हैं जी कैपिटल एम और सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड के क्या होते हैं एल टी माइनस वन। ठीक है, तो अब ये पावर अंदर जाएगी तो ये आ जाएगा एम एल का स्क्वायर टी की माइनस टू। तो नीचे जाएंगे तो इसे एक में लिखेंगे तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या ये और ये सेम है? तो जी ये सेम है, तो इसका मतलब है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, लो जी ये आपका है जी लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। ये भी न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरह है लेकिन इसके अंदर हमने फार्मूला नहीं बनाना, जस्ट बताना है। वो कहता है सपोज वी आर टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ आर। वो कहता है जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रही है वी की पावर आर पे, ऐसे ही है आर की पावर से आर एन एंड सम पावर ऑफ, अच्छा आर की पावर एन पे, आर की पावर एन पे डिपेंड कर रही है साथ ही साथ एंड सम पावर ऑफ वी से वी की पावर एम पर, वी की पावर एम पर। अच्छा डिटरमाइन द पावर ऑफ आर एन, यानी कि फाइंड वैल्यू ऑफ एन एंड एम, एन और एम की आपने वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो सारा वही रोला दोबारा करेंगे, कौन से वाला जो अभी हमने किया। तो हमें पता है कि जो हम इसको लिखेंगे, एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे करके, अच्छा इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर की पावर एन और वी की पावर एन। आर के डायमेंशन क्या होते हैं लेंथ के और वेलोसिटी के क्या होते हैं एल टी माइनस वन। तो पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, आर के आ जाएंगे एल, वेलोसिटी के आ जाएंगे एल टी माइनस वन और एक्सेलरेशन के होते हैं एल टी माइनस टू। अब हम इसे पुट करते हैं इधर, तो ए की जगह क्या आ जाएगा एल टी माइनस टू कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे, आर की जगह एल और एन पावर और एल टी माइनस वन और पावर एम। अब कंपेयर करते हैं, पहले इसको कंबाइन कर लेते हैं एल टी माइनस टू, इधर आ जाएगा कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे, एल की पावर आ जाएगी एन, इधर आ जाएगी एल की पावर एम और टी की पावर माइनस एम, यही बनेगा। अब इधर आ जाएगा एल टी माइनस वन सॉरी माइनस टू कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे ही, और इधर एल की पावर आ जाएगी एन प्लस एम और टी की पावर आ जाएगी माइनस एम। ठीक है, तो अब कंपेयर कर लेते, इधर एल की पावर वन है, इधर एल की पावर है एन प्लस एम। ठीक है, इधर एल टी की पावर क्या है माइनस टू, इक्वेशन वन आ गई, और टी की पावर क्या है माइनस एम, इक्वेशन टू। ये से कट गया
तो m किसके बराबर आ गया 2 के, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 2, तो इम्प्लाइज डैट n इज इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये m की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर मैं पुट भी कर दूँ तो फार्मूले में, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा कॉन्स्टेंट r की -1 n है और v की 2। तो अगर इसे हम लिखें तो कॉन्स्टेंट इंटू वी स्क्वेयर ओवर आर, तो दिस इज फार्मूला। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक कहा गया, तो हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल दी, ठीक है जी। ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स वाले चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल। अगर किसी न्यूमेरिकल में कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, या उसके लिए हम अलग से दोबारा एक वीडियो बना लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर लाजमी करना। थैंक यू।